हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास टेंथ का मैथ डॉटर के सी नवो की एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 7 के प्रश्नों का सोल्यूशन करने के लिए सीखेंगे। इसके पहले 6 तक के सारे प्रश्नों को मैं सोल्यूशन करवा दिया हूँ। सारे वीडियो का लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। बोल रहा है, यदि द्विघात बहुपद x² - 8x + k के शून्य के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात करना। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये प्रश्न को सही से समझ लें। शुरू से अंत तक देखें, समझ में आ जाएगा। अगर द्विघात बहुपद x² - 8x + k, तो आपका यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है x² - 8x + k दिया हुआ है और इसका कह रहा है शून्यकों के वर्गों का योग आपका 40 है। शून्यकों के वर्ग तो हम लोग जानते हैं द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, दो होते हैं, एक होते हैं अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का वर्ग कह रहा, वर्ग मतलब क्या हो गया, स्क्वायर। तो पहला आपका शून्यक हो जाएगा अल्फा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा और योग कह रहा था जोड़, और बीटा का स्क्वायर। और ये दिया हुआ है हमारा प्रश्न में दिया हुआ, कह रहा है इनके शून्यकों का वर्गों का योग 40 है। तो यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दिया हुआ और के का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने से पहले आप ए बी सी निकालें। ए बी सी क्या होता है, तो ए हम लोग बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले यहाँ पे योग ही निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला पढ़े -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि ए बी सी क्या होता है। तो ए जो हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद के एक स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको ए बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक स्क्वायर इसके साथ कुछ नहीं गुना तो 1 है, कॉमा बी हम लोग बोलते हैं एक्स के गुणांक होते हैं, एक्स के साथ कौन गुना है -8 गुना, तो -8, कॉमा सी, सी हम लोग बोलते हैं आचार यानी बिना एक्स वाला, तो कौन है के है, तो के हो जाएगा, सी बराबर के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप निकालें -b, बी का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पे माइनस है आपका फॉर्मूला से और -8 दिया हुआ है, बट्टा ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 आ जाएगा, और सी का वैल्यू यहाँ पे के है और ए का वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में कह रहा है इनके शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, इनके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पढ़े, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α × β, 2α × β बराबर आपका हो जाएगा 40। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आया हुआ है, कितना आया हुआ है, 8 आया हुआ है, तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2α × β का मान यहाँ पे के है, तो के हो जाएगा बराबर 40। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 2k बराबर हो जाएगा 40, माइनस 2k ये हो जाएगा बराबर में, ये क्या हो जाएगा 40 है, तो 40 हो जाएगा, ये माइनस में 64 उधर चला जाएगा। ठीक है, माइनस 2k हो जाएगा बराबर, यहाँ पे घट जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे 4 में से 0 जाएगा तो कितना जाएगा 4, 24 आ जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, यानी कि ये 12 × 2 = 24 कट गया, यानी कि k का जो आपका वैल्यू आया वो 12 आ गया, और k का वैल्यू आपका कितना आ गया 12 आ गया। यही आपसे पूछ रहा था k का वैल्यू निकालने के लिए, और k का वैल्यू आप ज्ञात कर लिए। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।